अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफीजा इस्लाम और आज मैं आपके सामने कशफुल महजब की किताब लेकर आई हूँ, तशनीफ हजरत दातागंज बख्श अलैहि रहमा। और इस किताब में मैं पेज नंबर 163 पे आपको ये टॉपिक पढ़कर सुनाऊंगी। औज बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हजरत हारिस मुहासबी रहमतुल्ला अलैह। तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग इमाम फ़नून जासूस जुनून हजरत अबू अब्दुल्ला अल हारिस असद मुहासबी रहमतुल्ला अलैह हैं। आप इल्म वसूल व फरू के आलिम और अपने वक्त के तमाम अहले इल्म के मर्जा थे। इल्म तसव्वुफ में रगायब नामी किताब आप ही की तशनीफ है। इसके सिवा बकसरत तसानीफ है। आप हर फन में बुलंद मर्तबा और बुलंद हिम्मत थे। अपने जमाना में आप बगदाद में शेखुल मशायख कहलाते थे। आपका इरशाद है, दिल की हरकतों का इल्म महल गायब में इस अमल से ज्यादा मुशर्रफ है जो आजा की हरकतों से हासिल किया जाए। इससे आपका मतलब है कि इल्म महले कमाल है और जहल मकाम तलब, और इल्म हुजूरी इससे बेहतर है कि जहल के चौखट पर खड़ा रहे, क्योंकि आदमी को इल्म दर्जाए कमाल तक पहुंचाता है और जहालत तो चौखट से भी गुजरने नहीं देती। दर हकीकत इल्म अमल से अफजल है। इल्म ही के जरिए हक ताला की मार्फत हासिल हो सकती है, लेकिन सिर्फ अमल से उसे नहीं पा सकते। अगर बगैर इल्म के अमल उसे उस तक पहुँचा सकता तो नसारा और राहिब अपने रियाजत व मुजाहिदे की शिद्दत की वजह से मुशाहिदे तक पहुँच चुके होते, और मुसलमान किल्लत अमल की बिना पर गैवियत से में नाफरमान व नामुराद होते। मालूम हुआ कि अमल बंदे की सिफत है और इल्म खुदा की सिफत। बास नाकिलों ने आपके मकूला में दोनों जगह अमल को बयान किया है, जो कि गलत और महाल है, क्योंकि बंदा का अमल हरकाते कल्ब से ताल्लुक नहीं रखता, और अगर उससे फिक्र और अहवाले बातिन का मराकबा मुराद हो तो यह बजाते खुद नादिर है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक घड़ी दिन में गौर व फिक्र करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। दर हकीकत अमाले बातिन अमाले जवारह यानी जाहिरी अमल से अफजल है, और अहवाल व अमाले बातिन के तासीर दर हकीकत अमाल जाहिरी से मुकम्मल व जामे है। बुजुर्गों का इरशाद है, आलिम का सोना इबादत है और जाहिल का जागना मासियत है। इसकी वजह यह है कि सोने और जागने में जब उसका बातिन मगलूब होता है तो जाहिर यानी जिस्म भी मगलूब हो जाता है। इसलिए गलबा हक से बातिन का मगलूब होना इस नफ्स से बेहतर है जो मुजाहिदे के जाहिरी हरकतों पर नफ्स का गलबा हासिल कर लेता है। हजरत मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन एक दरवेश से फरमाया, खुदा के होकर रहो वरना खुद न रहो। मतलब यह कि हक के साथ बाकी रहो और अपनी वजूद से फानी हो जाओ, यानी सफाए बातिन के साथ खातिर जमा हो या फक्र से परागंदा। गोया अपनी हस्ती को फना करके हक के साथ बाकी रहो या सिफत पर कायम रहो, जैसा कि खुदा ने फरमाया आदम के लिए सजदा करो या इस फरमाने इलाही की सिफत बन जा। क्या इंसान पर ऐसा वक्त नहीं आया जबकि वह काबिले जिक्र शाय न था? लिहाजा अगर तुम अपने इख्तियार से हक के साथ हो गए तो रोजे क्यामत अपनी खुदी के साथ हो गए, और अगर अपने इख्तियार से हक के साथ न होने बल्कि इख्तियार को फना कर दोगे तो क्यामत में हक के साथ होगे। यह माने बहुत दकीक व लतीफ है।